ठीक है, अभी यहां से निकल और घर जा। प्लीज भैया, मुझे यहां प्लीज रुकने दो, मुझे भी वीर की शादी का हिस्सा बनना। दादा प्लीज समझा कर, तेरा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। भैया मैं किसी खतरे से नहीं डरती, मैंने परसों से इस दिन का इंतजार किया है, आज वीर की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, मुझे तो शामिल होना ही, वीर की दुल्हन बनकर ना सही, उसकी दोस्त बनकर तो शादी में शामिल हो ही सकती है ना। उससे प्यार करती है, उसकी शादी में उसके प्यार में शामिल होना चाहती है ना, बस तुझे उसी प्यार का वास्ता। एक बार सोच, जिस आजादी का सपना लिए मैं तुझे तारा से शादी कर रहा, और तुझे अगर कुछ हो गया तो सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा, तेरी गवाही पर उसका आने वाला कल टिका होगा। सोच अगर तुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। ठीक है भैया, मैं चली जाती हूँ, पर एक बार मुझे तारा से मिलना है। ठीक है, मिल ले उससे, जा। मैं आपको तैयार करने आई हूँ। ओ, तो नंदू ने अपना काम आपको थमा दिया। वैसे कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े गहने पहनने बाकी हैं। वैसे एक बात बताइए। जी। दूल्हा देखा मेरा? है ना एकदम हीरो? वैसे पहले देखना चाहिए था। दाढ़ी बाल तो ऐसे बड़े हुए थे जैसे कोई बनमानुष हो, पर सीरत से एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मन से सुंदर, आत्मा से साफ। पता है ऐसे पति बहुत खुशकिस्मत वालियों को मिलते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ये मिले। कौन हो तुम? सुनो, राधा, पागल हो गई हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो पता है क्या होगा। मैं चली जाऊंगी, बस तुम्हें एक बार दिखना था, ओके मैं जाती हूँ। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी राधा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे। आज तुम नहीं होती तो मृत्युंजय कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करते, वो कभी नहीं बताते मुझे कि उनके दिल में क्या है मेरे लिए। भी लोग होते बेवकूफ। बहुत प्यार करती हूं ना तुम अपने मीर से? जानती हूं मैं,
कितना बेवकूफ है मृत्युंजय, आज तक नहीं देख पाया कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, और उससे भी बड़ी बेवकूफ तो मैं हूं, ये जानते हुए भी तुम उससे इतना प्यार करती हो, मैं तुम दोनों के बीच आ गई। नहीं तारा, ये बोलने की गलती भी मत करना, तुम मेरे और मीर के बीच नहीं, मीर की जिंदगी में आई हो, और मैं दिल से तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तारा माँ, तैयार हो गई बेटा? आ गई। देखो राधा, तुम ध्यान से जाना जी, कहीं कोई देख न ले। हाँ मेरा ब्रेसलेट कहाँ गिरा दिया मैंने, कहीं मीर के कमरे में तो नहीं छूट गया, उस पर तो मेरा नाम भी लिखा है, मीर मुसीबत में पड़ जाएगा, क्या करूँ? नंदू, चल बेटा मुझे कुछ कहना है तुझसे, बताना। आजा इधर। बस मीठी को ढूंढ रहा था। मीठी का भाई, आप मुझे ढूंढ रहे थे, कुछ काम था आपको? अरे मीठी मैं वो... बोलो बोलो। हाँ वो टाइम पूछना था पंडित जी की। भाई आपने कलाई पर घड़ी पहनी हुई है जो कि वक्त भी बताती है। हुजूर जल्दी जल्दी में दरवाजा ही खुला छोड़ गए, इस ताले की चाबी लेके आता हूं। वहां मेरा ब्रेसलेट तो नहीं? शेल्फ के पीछे तो दीवार होनी चाहिए, ये रोशनी कैसी? इसका कमरा है, रुद्र प्रताप के कमरे से लगा हुआ एक खुफिया दरवाजा, क्या किसी को इस कमरे के बारे में पता है?
भाई साहब सब ठीक है ना? ताई जी, यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। चुनाव का क्या अपडेट है? काउंटिंग चल रही है कि नहीं? अरे भाई, घर में शादी का माहौल है, हमें शादी पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी ना। अरे पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए भाई। जजमान, तब तक मैं तैयारियां कर लेता हूं, परंतु शुभ मुहूर्त में एक घंटे का समय है। रसम शुरू कीजिए पंडित जी, मुहूर्त का समय हो गया। मुहूर्त तो ऐसा शुरू हुआ है जजमान, जैसे राम सीता विवाह का था। बोल रही हूँ, बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि आप इलेक्शन हार गई। कीड़े पड़े मुए वोट गिनती करने वालों पे। पर आप दिल छोटा ना करें दीदी साहब, हम सब आपके साथ हैं। एक किन्नर कभी अकेली नहीं होती, हजार किन्नर उनके साथ होते हैं। देखना दीदी साहब, अगला इलेक्शन आप ही जीतेगी। हेलो दीदी साहब, आपका शायद बात करने का मन नहीं है, रखती हूँ। अब आप लोग जयमाला के लिए खड़े हो जाएं। लाइट ही नहीं ऑफ करके। We'll be right back.
मुझे मीर को ये बात बतानी होगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके ताया जी कलावती। कैसे बताऊं मैं उसे? हाँ तो शादी भी शुरू हो चुकी होगी। राधा अब तक घर पहुंच गई होगी। फोन करके पूछता हूं। ओम पवित्र पवित्र वासर्वावस्थांग तो पिवा जस्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाजाभेन्द्र श्री पुंडरीकाक्ष अपनातोम पुंडरीकाक्ष अपनातोम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक किन्नर कभी अकेली नहीं होती, हजार किन्नर उनके साथ होते हैं। परिवार के कोई सदस्य आकर वरवधू का गठबंधन करें। अब वरवधू फेरों के लिए खड़े हो जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज। बाकी के तीन फेरों में वधू आगे चले। अब दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनेगी।
अब आप दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। एक बूंद इश्क पे हूं जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूं जिंदा। अरे सुना,